दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन हो गया है, लेकिन इस टीम में एक अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज को नहीं चुना गया है। रविवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई के मुख्यालय में हुई बैठक के बाद चयनकर्ताओं ने वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाली T20 वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज दौरे के तीनों फॉर्मेट में ऋषभ पंत विकेटकीपर होंगे। हालांकि टेस्ट में अनुभवी विकेटकीपर रिद्धिमान साहा भी है। बावजूद इसके ऋषभ पंत फाइनल 15 का हिस्सा है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी इस टूर के लिए उपलब्ध नहीं थे। उधर वर्ल्ड कप 2019 का हिस्सा रहे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की टीम इंडिया से छुट्टी हो गई है। दोस्तों, दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप 2019 में किए गए खराब प्रदर्शन का सिला मिला है। दिनेश कार्तिक को उनके खराब फॉर्म के आधार पर टीम इंडिया से बाहर किया गया है। ऐसे में साफ है कि दिनेश कार्तिक शायद ही अब टीम इंडिया का कभी हिस्सा होंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी 34 के पार हो गई है। अगर ऋषभ पंत इस दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर कार्तिक का पूरी तरह से टीम से बाहर होना तय है। दोस्तों, दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल मिलाकर कुल 3 मैच खेले, जिसमें से 2 में दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिनेश कार्तिक दोनों पारियों में आउट हुए और सिर्फ 7 के औसत से 14 रन बना सके। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 41.18 का रहा, जिसमें सिर्फ 2 चौके शामिल थे। दोस्तों, दिनेश कार्तिक ने अपने 94 वनडे मैचों के करियर में सिर्फ 9 अर्धशतक लगाए हैं। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिनेश कार्तिक के शतक का कलम अभी भी सूखा है। दिनेश कार्तिक ने 152 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की 145 से ज्यादा पारियों में सिर्फ 1 शतक जड़ा है। यह शतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज को आसानी से जीत सकेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी तरह की क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल लाइव न्यूज को देखते रहे और सब्सक्राइब करें।